न्यूट्रिगल चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं हमारी एक और पॉपुलर लिस्ट के बारे में, टॉप 5 फोन्स जिनको आप ले सकते हैं 15,000 से 20,000 रुपए के बजट में इस महीने। तो ये हमारी 20,000 के बजट वाली बेस्ट लिस्ट है। इसके अलावा जो हमारी बाकी पॉपुलर लिस्ट होती है वो भी मैंने बना दी है, जैसे कि अंडर 15,000 रुपए के बजट में कौन से फोन बेस्ट रहेंगे और अंडर 10,000 के बजट में कौन से फोन बेस्ट रहेंगे। ऐसे कई सारी लिस्ट बनाई है जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये जो हमारे डिवाइसेस होते हैं बेस्ट फोन वाले, इनको मैं पूरी टेस्टिंग करने के बाद ही चूज करती हूँ। मैंने जो बाकी अपने टेस्टिंग चैनल्स बनाए हैं उन पर आप इनके वीडियोस देख सकते हैं, बाकी फोन्स के भी वीडियोस देख सकते हैं। पूरी तरह टेस्टिंग करने के बाद ही मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। तो आइए फटाफट से हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पांचवी पोजिशन पर आता है हमारे पास इस रेंज का जबरदस्त सेल्फी कैमरा डिवाइस। डिवाइस है हमारा वीवो का V11। इसके अंदर आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि हमारे ओप्पो वीवो का बेस्ट सेल्फी कैमरा है। और आप देख सकते हैं इसके पिक्स हमारी काफी बढ़िया हैं। इसके बैक कैमरा में हमें मिलता है 16+5 का डुअल कैमरा सेटअप, उसके अंदर भी आपकी काफी अच्छी पिक्स आ जाएंगी, कलरफुल एकदम टेस्टफुल सी पिक्स आती है इसकी। और प्रोसेसर की बात करें तो हमें इसके अंदर मिलता है हीलियस P60 का प्रोसेसर, जिसके अंदर हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। मैंने इसका पबजी रिव्यू भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल पे TNG गेमिंग पे। और उसके साथ 6.3 इंच का Full HD+ डिस्प्ले मिलता है हमें वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन में। ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले है, आप गेमिंग को वीडियोस को बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे इस डिवाइस के अंदर। साथ में 6GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी मिलती है और आप इसकी मेमोरी को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलता है, 256GB तक का मेमोरी कार्ड आप इसमें डाल सकते हैं। बैटरी की बात करें तो 3315 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी थोड़ी सी कम है, एक दिन वैसे नॉर्मल यूजेज में तो निकल जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी गेम्स ज्यादा खेलते हैं, वीडियो ज्यादा देखते हैं, तो आपको इस डिवाइस के साथ इसके बॉक्स के अंदर 18W का फास्ट चार्जर भी मिलता है। तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप फटाफट से अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं और मजे से यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो इतनी बढ़िया नहीं है। इसके अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है जो कि ज्यादा प्रीमियम फील नहीं देती, वैसे लुक वाइज डिवाइस देखने में काफी ठीक है। अब ये हमारा डिवाइस वैसे तो 20,000 रुपए का है, लेकिन इसके ऊपर आपको 2,000 रुपए का एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप अपना कोई भी पुराना फोन इसके साथ एक्सचेंज करते हैं। तो मतलब कि ये डिवाइस आपको 18,000 रुपए में मिल जाएगा। खरीदने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अब फोर्थ पोजिशन पर आता है हमारा ओप्पो का एक लेटेस्ट डिवाइस, जिसके अंदर हमें काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, ओप्पो K1। ये हमारा ओप्पो की तरफ से एक लेटेस्ट डिवाइस है, जिसके अंदर आपको 6.41 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले जिसके अंदर Full HD+ रेजोल्यूशन भी है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी है और उसके साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। तो डिस्प्ले को तो आप पूरी तरह इंजॉय करेंगे इस डिवाइस की। साथ में प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिलता है आपको, उसके साथ 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। इस डिवाइस का भी मैंने गेमिंग रिव्यू किया था और इसके अंदर मतलब ये हमारा जो स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर इसके अंदर मिलता है, बाकी जितने भी डिवाइसेस में मिलता है उनमें से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको पबजी की परफॉर्मेंस इस डिवाइस में मिलेगी। वो वीडियो आपको अगर देखना हो तो वो आप देख सकते हैं मेरे दूसरे चैनल पे TNG गेमिंग पे, कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली थी हमें इसकी। उसके साथ आपको इसके अंदर 3600 mAh की बैटरी मिलती है और साथ में फास्ट चार्जर नहीं मिलता, जो कि मुझे लगता है मिलना चाहिए था, और ट्रिपल स्लॉट मिलता है, मतलब कि आप अपने दो सिम कार्ड के बाद एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं 256GB तक का। कैमरास की बात कर लेते हैं, 16+2 का कैमरा आपको बैक में मिलता है जो कि हमारी काफी सही फोटोग्राफ्स ले लेता है और सैंपल्स आप देख सकते हैं आपके सामने है। साथ में 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, उसकी पिक्स तो भाई बढ़िया है, ओप्पो का 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा तो हमें एकदम बढ़िया ही पिक्स देता है। अब इस डिवाइस के अंदर भी एक और चीज की कमी आ जाती है, फास्ट चार्जर नहीं है। उसके अलावा कि बिल्ड क्वालिटी इसके अंदर भी हमें इतनी अच्छी नहीं मिलती, प्रीमियम लुक प्रीमियम फिनिश नहीं आती, क्योंकि हमें प्लास्टिक मिलता है। बाकी देखा जाए तो डिवाइस हमारा ये काफी अच्छा है और आप इसके लिए भी जा सकते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला ये हमारा ओप्पो की तरफ से डिवाइस है जो कि आपको 17,000 रुपए में मिल जाएगा। आप डिटेल में इसके फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसकी अनबॉक्सिंग देख सकते हैं और इसको जो खरीदने का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तीसरी पोजीशन पर आता है हमारा सैमसंग की तरफ से ट्रिपल कैमरा डिवाइस, सैमसंग A7। ये डिवाइस हमारा पहले 24,000 रुपए का था, तब मुझे ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगता था, लेकिन इसके ऊपर हमें 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है और अब ये आपको 19,000 रुपए में पड़ जाएगा। 19,000 रुपए के हिसाब से ये डिवाइस हमारा काफी बढ़िया है, इसलिए ये हमारी लिस्ट में आया है।
सबसे पहले तो इसके अंदर हमें मिलती है ग्लास बॉडी, जो कि देखने में काफी अच्छी लगती है। लुक वाइज डिवाइस हमारा बहुत ही बढ़िया नजर आता है। साथ ही फ्रंट में हमें 6 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले मिलता है आपको इसके अंदर, और उसके साथ सैमसंग एक्सिनोस 7885 का प्रोसेसर मिलता है। साथ में 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। और उसके साथ कैमरास की बात कर लेते हैं, ट्रिपल कैमरा डिवाइस है तो मेन तो हमारा कैमरा आ जाता है। आपको मिलते हैं 3 कैमरा बैक में, 24 का मेन, 5 उसके बाद जो कि हमारा डेप्थ सेंसर है, और 8 जो कि हमारा अल्ट्रा वाइड है। तो आप अपनी बढ़िया पिक्स ले सकते हैं इसके कैमरा से। मेन कैमरा से आपकी अच्छी पिक्स आ जाएंगी, कंट्रास्ट अच्छा है इसका, फोकस अच्छा है इसका, और आपको बुके मोड में बहुत बढ़िया पिक्स मिलेंगी। और इवन अगर आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ, ग्रुप्स के साथ वाइड एंगल पिक लेनी है तो वो भी आप इस डिवाइस से आराम से ले सकते हैं। अब साथ में इसका जो सेल्फी कैमरा है वो भी हमारा बहुत ही बढ़िया है। 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है आपको LED फ्लैश के साथ, तो लो लाइट पिक्स भी आप इस डिवाइस से अपनी काफी अच्छे से ले सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा सैमसंग की तरफ से काफी बढ़िया पैकेज है 19,000 रुपए के बजट में। काफी लोगों को सैमसंग का ही डिवाइस लेना होता है, काफी भरोसा करते हैं सैमसंग पे, तो उनके लिए ये बढ़िया ऑप्शन है। इसका जो खरीदने का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दूसरी पोजीशन पर आता है हमारा एक कंप्लीट गेमिंग डिवाइस जिसका नाम है Honor Play। ये फोन जो कि गेमिंग करना पसंद करते हैं लोग, उनके लिए बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। एक तो आपको इसके अंदर Kirin 970 का प्रोसेसर मिलता है, उसके साथ GPU टर्बो मिलता है, साथ में 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी मिलती है। और जो इसका जो हमारा 64GB है ये UFS 2.1 है, मतलब काफी फास्ट आपको स्पीड मिलेगी इस डिवाइस के अंदर। साथ में 3700mAh की बैटरी मिलती है फास्ट चार्जर के साथ। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये डिवाइस में आपको कमाल की परफॉर्मेंस मिलेगी। इसका भी गेमिंग रिव्यू मिल जाएगा आपको, 1 आवर का पबजी टेस्ट किया था हमने इसके अंदर, और अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है आपको इस डिवाइस के अंदर। साथ ही जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, गेमर्स के लिए डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी भी काफी मैटर करती है, तो इसके अंदर हमें जो यूनिमेटल बॉडी मिलती है वो भी एक बढ़िया फैक्टर है इस डिवाइस का। साथ में गेमिंग को, वीडियोस को अच्छे से एंजॉय करने के लिए आपको 6.3 इंच का नॉच वाला फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है, ब्राइट कलरफुल डिस्प्ले है, तो पूरी तरह आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके साथ आपको इसके अंदर 16:2 का डुअल कैमरा सेटअप बैक में मिलता है, अच्छी पिक्स आती है इसकी। और उसके साथ फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, इसकी पिक्स भी हमारी काफी सही आती है। अब कमी की अगर हम बात करें तो वो ये आ जाती है कि इसका जो ब्लैक कलर है वो देखने में अच्छा नहीं लगता। मेरी माने आपने अगर इसको लेना है तो इसके ब्लू कलर के लिए जाए। और एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इसका आंसर, कि हमारे जो मतलब मेरे पास सारे ऑलमोस्ट डिवाइसेस हैं, और Huawei और Honor के जो हमारे डिवाइसेस होते हैं इनका जो ये कवर आता है ये एकदम वाइट हो जाता है। आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है। अगर आपको ये राज पता हो तो मुझे जरूर बताएं। मतलब मेरे पास ओप्पो के इतने पुराने पुराने डिवाइसेस में पड़े हैं, Xiaomi के पड़े हैं, किसी का भी ऐसे वाइट आउट नहीं होता, सिर्फ हमारे Honor और Huawei के होते हैं। ये क्यों होता है ये अगर आपको पता हो तो मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर हम इस डिवाइस की प्राइस की बात करें तो ये है हमारा 17,000 रुपए का डिवाइस। इसको खरीदने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और पहली पोजीशन पर आता है हमारा फ्लैगशिप डिवाइस इस बजट रेंज का, डिवाइस है हमारा Poco फोन F1। इसके अंदर तो हमें सबसे बढ़िया चीज मिलती है Snapdragon 845 का फ्लैगशिप प्रोसेसर, तो इसका तो क्या मुकाबला करेगा कोई, इसीलिए ये हमारी नंबर वन पोजीशन पर है। साथ में इस डिवाइस के अंदर आपको 6GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी मिलती है, और उसके साथ 4000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, साथ में मिलता है फास्ट चार्जर। तो डिवाइस के अंदर आप गेमिंग भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, कोई भी काम करना हो आपको मजे से कर सकते हैं, वीडियोस देखनी हो, मूवीज देखनी हो, बैटरी वाइज भी, परफॉर्मेंस वाइज भी डिवाइस आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। साथ में आपको 6.18 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, नॉच वाला अच्छा डिस्प्ले है इसका। उसके साथ 12+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप बैक में मिल रहा है हमें, और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा फ्रंट में मिल रहा है LED फ्लैश के साथ। तो आप अपनी बढ़िया पिक्स ले सकते हैं इस डिवाइस से, और लो लाइट पिक्स भी अच्छे से ले सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं सैंपल्स आपके सामने हैं। अब इस डिवाइस में एक ही कमी आ जाती है कि इसके अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है, लेकिन अगर आपको फ्लैगशिप फीचर्स, फ्लैगशिप प्रोसेसर बजट सेगमेंट में मिलेगा तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज करेगी कंपनी की ना किसी चीज में। वैसे देखा जाए तो डिवाइस हमारा ये बढ़िया पैकेज है, और ये आपको 20,000 रुपए में मिल जाएगा। वैसे इसके ऊपर ऑफर आती रहती है, जब भी ऑफर आती है मैं जरूर बताती हूँ,
आप मेरा अगर सेल वीडियो देखते होंगे तो वैसे तो आप खरीद चुके होंगे क्योंकि काफी सारे लोग ले लेते हैं। जिन लोगों ने नहीं लिया उन्हें मैं बता दूं कि सेल में ऑफर में ये आपको 18,000 रुपए तक पड़ जाता है। तो मेरा सेल वीडियो देख लिया करें ताकि आपको जब भी बढ़िया बढ़िया ऑफर आए मैं जब आपको बताती हूँ तो आपका भी फायदा हो सके। सो ये थे हमारे टॉप 5 फोन्स जिनको आप ले सकते हैं 20,000 रुपए के बजट में। आगे मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।